क्या बनना है बड़े होके आपको? डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज, मुझे बनना है पुलिस। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज। क्यों बनना चाहते हो पुलिस? सबको मार। अच्छी शिक्षा पाने के लिए। बच्चा अच्छा बोलना तरीका सीखता है, अच्छी बात करता है, पढ़ने में आगे को उसकी भविष्य अच्छा बने। हम तो खेती में काम करते ही करते हैं। ऐसे ही घूमते हुए मेट्रो बन रही थी उस समय, तो पीछे जंगल में मैं चला गया था, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो है डस्ट में मिट्टी में खेल रहे थे, कीचड़ कीचड़ वगैरह में। तो उनके माँ बाप से मैंने बात करा तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि सर जी स्कूल यहाँ पर है नहीं कोई, है भी तो दूर है, हम अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजें, और ट्रैफिक चलता है, ट्रैफिक से बच्चे जो है मौत के शिकार हो जाते हैं। कोई अगर यहाँ पर कोई सज्जन हो यहाँ पर पढ़ाने वाले तो हम जो है यहाँ पर बच्चों को जगह दे देंगे बैठने के लिए और वो पढ़ाना शुरू करें। तो मैंने अचानक उनसे कह दिया कि मैं आपके बच्चों की 2 घंटे जो है अपने टाइम में से निकाल करके और मैं इनको जो है सेवा के तौर पर दूँगा। हमारे पास बच्चे आते हैं तो बच्चों में फ़र्क यही देखते हैं कि उसके मानसिकता में बदलाव देखते हैं, उनके एबिलिटी में सुधार देखते हैं। मानसिकता में इस तरह से बदलाव आ जाता है कि वह शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाते हैं और शिक्षा को पूरी तरह से अपने आप में बचाना चाहते हैं। बच्चों पर बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं था इनके पास में, बिछाने के लिए कोई सामान भी नहीं था, तो यहाँ पर जो है अपनी भी बोरी वगैरह फटे टूटे जो है टाट के ला करके बिछाया। उसके बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई मास्टर आता है पढ़ाता है, तो आप इस बात पे यकीन नहीं करोगे कि 140 बच्चे मेरे पास में हो गया 2-3 महीने के अंदर। जब इतने बच्चे हो गए तो मेरे को अब पढ़ाई लिखाई तो मैं भूल ही गया उनकी, मैंने कहा इनको कैसे कंट्रोल करूं, तो मैंने जो है उन बच्चों को सरकारी स्कूल में 70 बच्चों को एक साथ ही जो का नाम है भर्ती करा दिया नगर निगम के स्कूल में, और वो बच्चे जो है स्कूल भी जाने लग गए। उसके बाद उनके माँ बाप से कहा कि आप जो है बच्चों को स्कूल भेजो, पहले मेरे पास में भेजो उसके बाद में सरकारी स्कूल में भेजो। तो इस तरीके से उन बच्चों को लाइन मिल गया मेरे माध्यम से, और आज बच्चे जो है पढ़ते पढ़ते बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, कई एक बच्चे तो 12वीं क्लास तक वगैरह पहुंच चुके हैं। खुद पढ़ा है आपने? नहीं। क्या चाहते हैं आप, आपका बच्चा क्या बने? हम दे जाते पढ़ लिख रहा अच्छा बने, हमसे अच्छा कमाए, हमसे अच्छी तरक्की करे। किसान फसलों को काट रहे हैं, फार्मर्स आर कटिंग क्रॉप्स। जिस तरह से हमारे पारिवारिक स्तर का शिक्षा से लगाव नहीं था, उसी तरह के वातावरण के लगाव के बीच में मैंने गया। वहाँ के लोगों को यही मैंने देखा कि बदहालत देख करके हम आज भी प्रभावित रहते हैं। जिस तरह से मैंने अपने अस्तित्व को जानते हैं, अपने अस्तित्व के बारे में समझते हैं, उस तरह के विचारधारा आज भी हमारे दिमाग में बात उठते रहता है कि जिस तरह से हमने
पढ़ाई के क्षेत्र में सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए, तो इसका मेन कारण रहा था गरीबी। गरीबी के दायरा में जो भी बच्चे आज पनप रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका भी हमारे जैसे ही हालत से गुजरना पड़ता है। इनको थोड़ा शांत कर दो ना। अबे ओए, दो मिनट रुको, लाइन से खड़े कर लो इनको सबको। इधर बैठ, अरे प्रसाद दूंगा, प्रसाद नहीं लेके जाओगे ना लोग, तुम लोग। हमें अपने काम से और बच्चों के साथ में काम करने के बाद कोई भी टाइम हमारे पास ऐसा नहीं बचता है कि नेता लोगों के पास में जाकर के हम कहें कि हम वहाँ पर ऐसे ऐसे स्कूल चला रहे हैं। जो ये प्रोग्राम फिर राजनीतिक में पड़ जाता है। राजनीतिक में जानते हो कि हमसे कह देंगे हम तुम्हारी मदद कर देंगे, उधर पुलिस से कह देंगे कि जाओ तोड़ दो उसे, ख़त्म करो। तो इन चीज़ों से मैं, ये दंदल है, एक इस दंदल से जो है दूर रहना ही पसंद करता हूँ। वो नए नए बातों को सीखना चाहते हैं, जो आधुनिकतम शिक्षा का रीढ़ माना गया है उन बातों पर भी ध्यान देने लगते हैं। अरे क्या ये अपना अपना काम क्यों नहीं कर रहे? आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? आप बताओ। पुलिस। क्यों बनना है पुलिस? हाँ डंडा खींचो। सरकारी स्कूलों का माहौल तो आप जानते ही हो क्या है, कोई टीचर्स आते हैं कोई नहीं आते हैं, तीन तीन चार चार दिन तक स्कूलों में अध्यापक जो अपनी शकल ही नहीं दिखाते हैं। दूसरी, वहाँ के मास्टरों की अपेक्षा हम जो है बच्चों से ऐसे घुले मिले हैं कि बच्चे जो है उन अध्यापकों से जो है डरते भी हैं बात करने में। हमारे से बच्चे कोई इस तरीके से बिल्कुल घर जैसे संबंध करके और उस तरीके से यहाँ पर पढ़ते हैं। उनको यही नहीं मालूम होता है कि हम जो मास्टर जी से बात कर रहे हैं ये अपने घर वालों से बात कर रहे हैं। और हम भी आपने देखा कितने प्यार से ही जो है ना बच्चों को डील करते हैं। टीवी देखते हो? नहीं देखते टीवी? क्यों? है। पापा क्या काम करते हैं? क्या नाम है आपका? देखिए, एक आदमी तो अगर मैं सोचूं कि अकेला जो है मैं इस काम को कर लूं तो पॉसिबल नहीं है। अगर मेरी जैसी सोच के लोग अपनी लाइफ में से एक दो घंटा निकाल करके और ऐसा काम करना शुरू करें तो शायद बहुत कुछ समाज को जो है बदल सकते हैं।